नमस्कार दोस्तों, दाकैर में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी धामे और ये है टिप्स एंड ट्रिक का सेकेंड एपिसोड। इसमें हम सीखेंगे कि स्केच प्लेन को कैसे बदलें, यानी कि किसी प्लेन पर अपने स्केच कर रखा है तो उस स्केच को दूसरे प्लेन पर कैसे ले जाएं। जैसे कि भी मैंने यहाँ पे एक एक्सट्रूड बोज एक्सट्रूड कट कर रखा है, ये होल कर रखा है। इस होल को मेरे को इस साइड में नहीं चाहिए था, ये होल मेरे को इस साइड में चाहिए था। तो इसको या तो हम इस फीचर को यानी कि एक्सट्रूड कट को डिलीट मार के उधर दोबारा बना सकते हैं, यानी कि इसके स्केच को दोबारा बना सकते हैं, या फिर हम इसी स्केच को चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली कि इधर आ जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिंपल बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे स्केच पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ गया एडिट स्केच प्लेन, यानी कि यहाँ से हम प्लेन चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा प्लेन ये वाला इधर है, यानी कि स्केच हमारा इधर रखा है, मैं कोई इधर नहीं इस वाले पे चेंज कर दिया। ओके करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर आएगा, उस एरर को सुधार लेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे। अभी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे देखो एक्सट्रूड कट पे रेड कलर आ गया, इसको राइट क्लिक करेंगे, एडिट फीचर जाएंगे, यहाँ पे क्या कि चेंज डायरेक्शन का फर्क आ गया। यानी कि क्या था, अगर मैं इस प्लेन पे स्केच कर रखा तो इधर की तरफ एक्सट्रूड कट था, लेकिन अब मैं इसके प्लेन स्केच इधर हो गया तो इधर की तरफ कुछ है ही नहीं मटेरियल काटने के लिए। तो बस यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है। मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पूरा स्केच नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अभी तो ये सिंपल एक छोटा सा सर्कल लिखता है, लेकिन बहुत सारा स्केच भी हो सकता है। बहुत मेहनत करके मैंने स्केच बनाया और गलती से पता लगा कि हमें इस वाले प्लेन पे स्केच ही नहीं करना, तो वहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। जैसे कि हमारा होल विजार्ड है, होल विजार्ड हमने इधर कर रखा है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप ही ले लेता डायरेक्शन, ये मेरे को उस साइड में लेके जाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस स्केच पे राइट क्लिक और यहाँ पे एडिट स्केच प्लेन, बस ये वाला फेस को छोड़ देंगे, अब इधर की साइड में क्लिक कर देंगे। ओके तो चेंज हो गया, अब हमारा होल विजार्ड इधर की तरफ आ गया। तो इससे क्या होगा कि हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है, पूरा स्केच दोबारा ना करने की बजाय उसी स्केच को बस रिप्लेस कर देंगे, यानी कि स्केच को एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे ले जा सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के एपिसोड में इसी तरह से बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, बड़ी मेहनत लग रही है। Oh, 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 o